भारतीय किसान संघ तहसील सुजालपुर के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार राजेश खजूरिया को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि वर्तमान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की प्याज की फसल नष्ट हो चुकी है। ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन से क्षतिपूर्ति के लिए राहत राशि की मांग की गई। समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण किसान जिला सहकारी बैंक का ऋण जमा नहीं कर पाया, इसलिए ऋण वसूली की तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई की जाए। कहीं किसानों के स्लॉट बुकिंग के बाद तोली गई उपज का बिल नहीं बन पाया और राशि का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया। इन समस्याओं को लेकर भी ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। लेकिन कीमत पूरी देंगे। शोषित पीड़ित किसान को राहत दो, राहत दो। शोषित पीड़ित किसान को राहत दो, राहत दो। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य बढ़ाना है। किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य बढ़ाना है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।